नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको टाइम के बारे में बताऊंगा। जैसा आपके समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेकंड होती है। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। सेकंडों को मिलाकर मिनट बनती है और मिनटों को मिलाकर घंटे बनते हैं और घंटों को मिलाकर दिन बनते हैं। तो देखिए, अब दिनों को मिलाकर हफ्ते बनते हैं और कुछ हफ्ते कुछ दिन मिलाकर महीने बनते हैं और महीनों को मिलाकर वर्ष बनती हैं। देखिए, हम इधर से सेकंड से चल रहे हैं, यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चल रहे हैं। सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीना, महीने से वर्ष। तो देखिए, महीना जो दिन है, दिन को मिलाकर के हमारे महीने भी बन जाते हैं और दिनों को मिलाकर के वर्ष भी बन जाते हैं। और इसी प्रकार सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन, दिन से महीने और दिन से सप्ताह और दिन से वर्ष। तो देखिए, जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलते हैं, यानी सेकंड से मिनट बनाना होता है, तो पहले ये देखिए। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं, सारा शेड्यूल बता दूं आपको। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, एक घंटा में 60 मिनट होता है। अब देखिए, अब इसके बाद दिन आता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। दिन के बाद सप्ताह आता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब देखिए, दिन आ गया, अब बात करते हैं महीने की। एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। देखो, इसी से सॉल्व करेंगे हम सारा कुछ। मटेरियल है जो, जैसे जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलते हैं, जैसे हमें कुछ सेकंड दी हुई है, अब सेकंड से हमें मिनट बनाना है। तो देखिए, 60 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 60 से भाग करते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होती है। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनानी है हमें, तो क्या करना होगा? 60 से भाग करना होगा। आगे देखिए, मिनट से घंटा बनाना है, तब भी हम भाग देंगे, लेकिन किसका भाग देंगे? तो देखिए, एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो यानी हम इसमें 60 का भाग दे देंगे। आगे देखिए, जब हमें घंटों से दिन बनाना होगा, तो पहले ये देखिए, एक घंटों से दिन कैसे बनेंगे? तो देखिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो यानी जब हम घंटों से दिन बनाएंगे, तो 24 का भाग देंगे। इसी प्रकार दिन से सप्ताह बनाएंगे, तो 7 का भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। अब इसी प्रकार दिन से हम महीने बनाएंगे, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 का भाग देंगे। अब देखिए, इसी प्रकार हम महीने से वर्ष बनाते हैं, महीने से वर्ष बनाते हैं, तो एक महीने में कितना एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12। तो हम महीने से वर्ष बनाएंगे, तो क्या? 12 से भाग देंगे। तो देखिए, मैं एग्जांपल देके अभी बताता हूं आपको। तो देखिए, जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलते हैं, तो भाग देते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बता देता हूं। देखिए, हम कहें आपसे कि 360 सेकंड को मिनट में बदलना है। किस में बदलना है? मिनट में। लेकिन
सेकंड तो छोटा होता है और मिनट बड़ा होता है। तो देखिए जब छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं हम तो भाग देते हैं, लेकिन किसका भाग देना पड़ेगा ये तो हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ, एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो यहाँ लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए, एक आपको एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड यानी हम 60 का भाग दे देंगे, तो 60 का अब देखिए 60 का भाग देंगे हम 360 में, तो देखिए 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 मतलब 6 बार जाएगा, तो इसमें से 360 में से 360 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए ये जो हमारा भागफल आया है यही क्या बन गई हमारी मिनट। तो हम बोल सकते हैं कि 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 6 मिनट होंगे। तो आपने देखा, देख लिया ना। तो आगे देखिए, देखिए इसी प्रकार अब हम घंटे से दिन बना के दिखाएंगे आपको, घंटों से। तो मैं कहूँ आपसे कि 216 घंटों में कितने दिन होंगे, क्या 216 घंटों में कितने दिन होंगे। तो देखिए 216 घंटों में कितने दिन, पहले तो ये बता दीजिए यहाँ पर कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। तो देखिए जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई, यानी मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर, छोटी इकाई का मतलब है घंटे छोटे होते हैं दिन से, तो जब छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं तो हम क्या करेंगे 24 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे 24 का भाग। तो 216 में हम 24 का भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 24 दिन में कितना होता है 216। तो ये हमारा जो भागफल आया है वो क्या जाएगा, दिन हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ 9 दिन। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तो देखिए इसी प्रकार हम दिन से सप्ताह बनाएंगे, अब दिन से महीने बनाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में महीने से वर्ष बता देता हूँ। तो देखिए महीनों से क्या बनाना है, हमको वर्ष बनाना है। तो 36 महीने ले लीजिए, 36 महीने में कितना वर्ष होगा, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको बता दिया था वो याद करने की चीज़ है, उसको याद करिएगा कि एक वर्ष में क्या, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और जब महीनों से दिनों में, महीनों से वर्ष में बदलने के लिए हम कह सकते हैं कि छोटे से हम बड़े में बदल रहे हैं, तो भाग देते हैं, तो भाग कितने का देंगे, 12 का भाग देंगे, तो 12 36 होता है। तो देखिए ये जो तीन भागफल आया है ना, ये वर्ष हो जाएंगे। तो हम यहाँ जो तीन वर्ष आया है वो तीन वर्ष हो जाएंगे। तो देखो 36 महीनों में क्या होंगे, तीन वर्ष होंगे। देखिए मैंने बताया था छोटे से बड़े की तरफ 12 होता है, छोटे से बड़े की तरफ। अब मैं बताऊंगा बड़े से छोटे की तरफ, अब इसमें क्या हुआ, बड़े से छोटे की तरफ क्या हुआ ये देखते हैं, इसमें हुआ गुणा, वो भी कितने का मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या है वर्ष, वर्ष से महीने में बदलते हैं तो गुणा होता है, महीने से दिन में बदलते हैं तो गुणा होता है। देखिए मैं महीने से सप्ते में क्यों नहीं बता रहा, सप्ते में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एग्जैक्ट मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी अब गुणा नहीं हुआ। अब देखिए दिन से घंटों में बदलने के लिए इसमें भी गुणा, अब घंटों से मिनट में बदलने के लिए इसमें भी गुणा, लेकिन अब मिनट से सेकंड में बदलने के लिए इसमें भी गुणा। अब मैं बताऊंगा गुणा किसका, किसमें, कितने का होता है। तो देखिए जब हम वर्ष से महीने में बदलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहले एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 का गुणा हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो इसमें 30 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ दिन से घंटे में, एक दिन में कितना घंटा होता है 24, तो यहाँ 24 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए घंटे से मिनट में, यानी घंटा से मिनट में बदलेंगे तो क्या हुआ, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो देखिए इसमें 60 से गुणा हो जाता है। अब मिनट से सेकंड में जाते हैं हम, तो मिनट में सेकंड से जाने के लिए इसमें भी 60 से गुणा हो जाएगा। तो मैंने बताया था वर्ष बड़े है ना महीने से, वर्ष बड़ा है महीने से तो क्या होगा, गुणा होगा, क्या होगा गुणा। हमेशा बड़े इकाई से छोटी इकाई की तरफ चलते हैं तो गुणा ही होता है,
महीना से दिन की तरफ गुणा होगा, वो भी मैंने बता दिया है कितने का कैसे होगा, आप इसको उतार लीजिए। देखिए अब मैं आपको बदलना बताऊंगा कैसे, कि आपको मैंने बोल दिया कि तीन मिनट में सेकंड्स बताओ, क्या बताओ, सेकंड्स बताओ, यानी सेकंड बताओ। तो देखिए तीन मिनट में सेकंड बताएंगे हम, तो कैसे बताएंगे, तो पहले ये देखिए बड़े से छोटी की तरफ बदल रहे हैं, तो बड़े से छोटी की तरफ चलेंगे हम, तो हमेशा क्या होता है गुणा बड़े से छोटी की तरफ, वो भी कितने का, 60 का। वो कैसे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अरे 60 सेकंड तो होते हैं, लेकिन अब तीन मिनट में पूछ रहा है, तो यानी तीन में 60 का गुणा हो जाएगा, 0 की 0 6 गुणा 3 करेंगे तो 6 3 18 180 सेकंड। तो देखिए इसी प्रकार और देखते हैं, तो देखिए अब हम दिन से घंटे बनाएंगे, तो मैंने आपसे बोल दिया कि पाँच दिन में कितने घंटे होंगे, तो पाँच दिन में घंटे बताने हैं क्या है? अब देखिए छोटे से बड़ा बनाना है ना, सॉरी अब क्या है, बड़े से छोटा बनाना है ना, बड़े से छोटा बनाना है, तो इसका मतलब है दिन बड़े हैं घंटे छोटे हैं। तो देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में मैंने पहले ही बता दिया था, वो आपको याद ही कर लेना है, वो आपको काम देगा। तो देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जब हम दिन से घंटे बनाते हैं तो हमेशा गुणा होता है, तो इसलिए 24 में किसका गुणा होगा, 5 का गुणा होगा, 24×5=120 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 घंटे। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, तो देखिए अब हम वर्ष से, जैसे 5 वर्ष में महीने बताओ, क्या 5 वर्ष में महीने, तो देखिए एक वर्ष में पहले तो आपको एक वर्ष का बताना होना चाहिए, तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, एक वर्ष में 12 महीने। अरे एक वर्ष में 12 महीने तो 5 वर्ष में कितने, तो यानी वर्ष से महीने बदलने में, यानी हम बोल सकते हैं बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाने के लिए गुणा होता है, लेकिन किसका गुणा होगा, 12 का गुणा होगा, तो 12×5 कर दीजिए, तो 12×5=60 होता है, तो 60 महीने हो गए, तो हम क्या करेंगे, 60 महीने। थैंक यू, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं